Hello friends, a very warm welcome to all of you to the Hindu analysis of 18th November 2020. So as always, we'll start with the very first article today. What mechanism do you have to fight against fake news? Supreme Court asks center. So Supreme Court ne hamare central government se ye baat pucha tha ki what mechanism do you have? Aapke paas aisa kya mechanism hai jisko aap log istemal karke फेक न्यूज के खिलाफ आप कुछ कर सकते हैं या यू एक्ट अगेंस्ट फेक न्यूज. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर. नाउ लेट अस सी व्हाट आर देयर एंड व्हाट आर नॉट देयर व्हेन इट कम्स टू डीलिंग फेक न्यूज. द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे आस्क्ड द सेंटर टू एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म अगेंस्ट फेक न्यूज एंड बाइगॉट्री ऑन एयर एंड टू क्रिएट वन इफ इट डिड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट. यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछा था कि क्या आपके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसको इस्तेमाल करके आप लोग फेक न्यूज को डील करते हैं या फेक न्यूज को एलिमिनेट करते हैं. अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है तो आप लोग तुरंत एक क्रिएट कीजिए. यू हैव टू क्रिएट वन इफ यू डोंट हैव एनी सच मैकेनिज्म इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड. नाउ व्हाई दिस हैपेंड. Then the Supreme Court also said another statement here. Inability of the government's part may well see the job go to an outside agency. यानी कि Supreme Court ने ये भी कहा था अगर आप central government ये काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इस काम कोई दूसरे private entity या private organization या private agency को दे देते हैं ताकि वो लोग इसको सही तरह से tackle कर पाए. Why should we ask private entities like NBSA when the central has the authority. जब सेंटर के पास सारे पावर्स है कि वो लोग जो चाहे वो कर सके, फिर हम लोगों को क्यों अलग से एक प्राइवेट एंटिटी को पूछना पड़ेगा, ये पूछा था कोर्ट ने. एंड कोर्ट इस चीज को इतना क्यों सीरियसली लिया, इसके बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते. आप सब लोग जानते हैं तबलीगी जमात. आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो अबाउट द तबलीगी जमात. तबलीगी जमात इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इस्लामिक पीपल एंड इट वॉज हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च इन दिल्ली. दिल्ली में इस साल मार्च में ये तबलीगी जमात हुई है एंड एवरीथिंग वेंट फाइन. बट लेटर मेनी मीडिया हाउसेज रिपोर्टेड दैट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द तबलीगी जमात द एंटायर कोरोना एंड ऑल द रिलेटेड थिंग्स हैव हैपेंड. तो उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया था कि पूरे इस तबलीगी जमात और जितने भी लोग इस तबलीगी जमात में पार्टिसिपेट किए हैं उन सारे लोग के वजह से ही सब कुछ हुए हैं या सब कुछ हुई थी, ऐसा कहना था कुछ मीडिया एजेंसीज का. एंड दे हैव शोकेस्ड मेनी थिंग्स रॉन्गली इन ए नेगेटिव वे प्रोवोकिंग हेट्रेड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर रिलीजियन. इन सारे चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट को व्हाट डिड यू डू टू टैकल दिस थिंग्स. देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट डाली थी लेकिन उस एफिडेविट को भी रिजेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एफिडेविट के जितने भी कंटेंट्स है उन सारे कंटेंट से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कोर्ट. क्यों? क्योंकि उन्होंने सही तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें नहीं दी थी. The case is based on the petitions including one by Jamiat Ulama-e-Hind about the communal color which is given by certain sections of the electronic media for the holding of Tablighi Jamaat event in the national capital during the lockdown. Lockdown ke samay ya lockdown ke pehle actually ye cheez hui thi lekin article mein lockdown ke samay likha hua tha. So certain sections of electronic media they have given it a communal color जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था. So that's why the case was filed and the affidavit has mentioned that the media coverage predominantly struck a balanced and neutral perspective. यानी कि जो मीडिया कवरेज हुई है इस चीज को लेके वो ज्यादा से ज्यादा तक बैलेंस्ड और न्यूट्रल रही है. और इसने एक और चीज भी कहा था कि matter of journalistic policy any section of media may highlight different
इवेंट्स इश्यूज हैपनिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज पर देर चॉइस, यानी कि जो जर्नलिस्टिक पॉलिसी होती है, यानी कि जो जर्नलिस्टिक लिबर्टी होती है, कोई भी एक मीडिया हाउस या एक सेक्शन ऑफ मीडिया अपने मर्जी अपने चाहे जो वो चाहती है उस चीज को टेलीकास्ट कर सकती है या उस चीज को हाईलाइट कर सकती है। इट वॉज फॉर द व्यूअर टू चूज फ्रॉम वेरिड ऑप्शंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स, यानी कि कुल मिला के इन्होंने क्या कहा था, मीडिया हाउसेस को एक इंडिपेंडेंस होती है कि वो लोग कहीं पे भी कुछ भी न्यूज बना सके या कुछ भी कवर कर सके, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, व्यूअर का, कि वो कौन सा ओपिनियन ले और किस मीडिया आउटलेट का ओपिनियन ले। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि वॉट एवर और विच एवर प्रोग्राम द पर्सन हैज टू वॉच शुड बी डिसाइडेड बाय द पर्सन एंड द मीडिया हाउसेस विल बी फ्री टू वर्क ऑन वॉट एवर प्रोजेक्ट दे लाइक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि द पिटिशंस इन द कोर्ट कंटेंट वेग एसर्टेशंस अगेंस्ट द मीडिया बेस्ड ऑन फैक्ट चेकिंग न्यूज रिपोर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कुछ मीडिया बेस्ड ऑन कुछ मीडिया के फैक्ट चेकिंग न्यूज रिपोर्ट्स, वो लोग कुछ वेग एसर्टेशंस वहां पे क्या किया था, एज्यूम किया था और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कहना कहना है हमारे सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह चीज भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 743 सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूआरएल्स फेक न्यूज स्प्रेड करने की वजह से बैन भी किया था, बट कोर्ट सेड दैट द कोर्ट रिजेक्टेड द एफिडेविट बिकॉज इट इज इनएडिक्वेट। इस एफिडेविट को इनएडिक्वेट कहके कोर्ट ने पूरे एफिडेविट को क्या किया था, रिजेक्ट किया था। और उसी दौरान कोर्ट भी ये भी कहा था कि वी आर डिसअपॉइंटेड विथ योर एफिडेविट, इट डज नॉट कंटेन ए विस्पर अबाउट व्हाट यू हैव डन अंडर द केबल टीवी एक्ट। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट, डज नॉट कंटेन ए विस्पर, इसका मतलब यह होता है कि डिंट कंटेन एनीथिंग, इसमें कुछ भी नहीं था, डिंट कंटेन एनीथिंग अबाउट वॉट दे हैव डन अंडर केबल टीवी एक्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि क्या इसमें केबल टीवी एक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये केबल टीवी एक्ट क्या होता है, इफ देर इज एनी इम्प्रॉपर और एक्सप्लिसिट कंटेंट विच इज शोकास्ट इन एनी ऑफ द केबल टीवीज और इन एनी ऑफ द चैनल्स, देन इट विल हैव ए लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन इट। एंड नाउ इस चीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग क्या केबल टीवी एक्ट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते ही कि नहीं, ये चीज भी पूछा गया है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग विच वॉज अंडर फोकस हियर। एंड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बोबडे जी ने यह भी पूछा था कि वी वॉन्ट टू नो द क्वांटम ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ये एक्ट कहाँ तक अप्लाई की जा सकती है और कुछ लीगल रेमेडीज है तो बता देना, यानी कि अगर कोई भी एक बंदा फेक न्यूज के बारे में कंप्लेंट किया था तो कौन सा एक्ट इस्तेमाल करके या कौन सा चीज इस्तेमाल करके उसमें रिजल्ट देना चाहिए या उसमें वर्डिक्ट देना चाहिए, इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन पूछा था चीफ जस्टिस ने। अब इसका थोड़ा बहुत हम लोग बैकग्राउंड एक चीज देखते हैं। फॉर द पास्ट 2 मंथ्स द कोर्ट हैज बीन आस्किंग द गवर्नमेंट टू गिव ए क्लियर आंसर टू वेदर द रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑफ द केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995 मेंट फॉर केबल नेटवर्क्स विल इट अप्लाई ऑल्सो टू ऑल द अदर टीवी ब्रॉडकास्ट, यानी कि जैसे कि आपका हो गया एक डीटीएच, फिर आपका हो गया ओटीटी, फिर आपका हो गया अदर मीडिया चैनल्स, इन सारे चीजें भी ये केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उनको ये भी पूछा था कि अगर गवर्नमेंट के पास उतना पावर है क्या कि किसी एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल को क्वेश्चन करना या बैन करने का,
ऐसे बोला था। और जितने भी पिटिशंस है वो सारे पिटिशंस ने क्या पूछा था कोर्ट से कि द मिनिस्ट्री शुड आइडेंटिफाई एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द सेक्शंस ऑफ मीडिया दैट कम्युनलाइज द तबलीगी इंसिडेंट। यानी कि पिटिशनर्स ने ये पूछा था कि मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए, ये सारे जितने भी फेक न्यूज को फैलाने वाले लोग होते हैं, यानी कि द पीपल हु आर प्रोपेगेटिंग दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज, दोज पीपल हैव टू बी आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज पीपल, दोज मीडिया हाउसेस हैज टू बी अंडर स्ट्रिक्ट एक्शन एंड दे हैव टू बी टेकन इन टू प्रॉपर कंसिडरेशन सो दैट द फेक न्यूज प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, ऐसा कहना था पिटिशनर्स का। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी ये केस एंड एफिडेविट को पूरी तरह से रिजेक्ट करके यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सारे चीजें जो हैं वो कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल आफ्टर दिस आर्टिकल इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच यस्टरडे, दिस इज आर्टिकल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर स्पीच यस्टरडे इन ए मीटिंग विथ ब्लूमबर्ग्स न्यू इकोनॉमी फोरम। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एमिनेंट इकोनॉमिस्ट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज डिस्कस इन दिस फोरम एंड मेनी हेड ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो एड्रेस दिस फोरम इन्वाइटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टू देयर ओन कंट्री। तो इस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ये हम हमारे डिस्कशन की बात है। तो इस ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहा था कि द पैंडमिक हैज एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज ऑफ सिटीज दैट सर्व्ड एज वर्ल्ड्स ग्रोथ इंजन्स टिल नाउ। आज के दिन तक जो प्लेसेस को हम लोग हमारे पूरे विश्व के ग्रोथ इंजन के रूप से हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोगों को एक चीज यहाँ पे पता चल चुका है कि हमारे सिटीज में भी काफी सारे वल्नरेबिलिटीज है। अब हम लोगों को उस सारे वल्नरेबिलिटीज को ओवरकम करना पड़ेगा। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर ए पोस्ट कोविड चेंज इन प्रोटोकॉल्स समथिंग विच इज वेरी सिमिलर टू द पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग एफर्ट्स। हमारे वर्ल्ड वॉर टू के बाद या किसी भी एक युद्ध के बाद रीबिल्डिंग जो होता है, यानी कि अगेन वी विल विथ ए न्यू स्पिरिट एंड विथ ए न्यू एनर्जी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग और स्टार्ट बिल्डिंग न्यू सिटीज न्यू टाउन्स एंड वी विल ब्रिंग आवर इकोनॉमी टू न्यू हाइट्स। द सेम थिंग ऑल्सो शुड बी डन इवन आफ्टर दिस पैंडमिक सो दैट वी कैन डेवलप मोर सस्टेनेबल एज वेल एज रेजिलियंट सिटीज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सो द सिटीज विच आर मोर सस्टेनेबल दैट मीन्स विच कैन टॉलरेट इवन मोर प्रेशर एंड रेजिलियंट विच आर वेरी मच टूवर्ड्स द ह्यूमन बींग्स वेलफेयर। यानी कि जितने भी सिटीज है वो एक्सट्रीमिटीज को भी टॉलरेट कर सके, ऐसे सिटीज को हम लोगों को अब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मेनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड डिक्लेयर देमसेल्स ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न सिंस द ग्रेट डिप्रेशन 1920s एंड 30s में। पूरे यूएसए में एक ऐसा डिप्रेशन आई थी जिसको हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। उस ग्रेट डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिवियर रिसेशंस अक्रॉस द ग्लोब एंड दिस टू बी मोर प्रिसाइज दिस ग्रेट डिप्रेशन वाज बिटवीन 1929 एंड 1933 इन यूएसए। इसकी वजह से हजारों लोग या आप बोल सकते हैं करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। पैसे की कीमत जो है द वैल्यू ऑफ मनी जो है वो पूरी तरह से नीचे आ गई है। ऐसे कई सारे चीजें हुई थी इस ग्रेट डिप्रेशन में। इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद वर्ल्ड वॉर टू का असर भी पूरा दुनिया पर इतना ज्यादा पड़ा, इतना ज्यादा पूरे दुनिया पर नहीं पड़ा जितना कोविड 19 की वजह से पड़ी थी। सो द वर्स्ट इकोनॉमिक
downturn since the Great Depression is our COVID-19 crisis, and that's why we all should now cope up with these things. The very things which represented living in a city are now facing a question mark. जितने भी मॉडर्न डे अर्बन फैसिलिटीज कहा जाता है या जो भी फैसिलिटीज वो सिर्फ सिटीज में भी मौजूद होते हैं, सिटीज में ही प्रेजेंट होते हैं, और जिनकी वजह से रूरल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट होती है, जैसे कि कम्युनिटी गैदरिंग्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, अब कोई भी पहला जैसा नहीं है. सारे चीजें बदल गए हैं बिकॉज देर आर नो कम्युनिटी गैदरिंग्स, नो बिग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन. एजुकेशन इज नाउ एवरीवन्स होम हैज बिकम देयर ओन स्कूल, एंड रिक्रिएशन के लिए भी अपना खुद के घर में ही खेलना कूदना पड़ रहा है. द बिगेस्ट क्वेश्चन बिफोर द एंटायर वर्ल्ड इज हाउ टू रीस्टार्ट. इससे हम लोग कैसे नई शुरुआत करेंगे, ये हमारे आगे जो है वो सबसे बड़ा प्रश्न है. ऐसा कहा था नरेंद्र मोदी जी, एंड नरेंद्र मोदी जी आर बिलोड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एसर्टेड ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स, स्ट्रेसिंग दैट दैट रीस्टार्ट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ए रीसेट ऑफ माइंडसेट्स, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस. यानी कि अगर हम लोग इस सब चीजों को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, इफ वी वॉन्ट टू रीस्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग, दैट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट द रीसेट ऑफ माइंडसेट्स. यानी कि हमारे दिमाग को पहले सही तरह से रीसेट करना चाहिए, उसके बाद ही ये जो रीसेट है वो अच्छी तरह से पॉसिबल होगी. देन प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस, जितने भी अब हम लोग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारे चीजों को भी हम लोग बिना बदलाव या बिना चेंज वापस ऐसे ही नहीं ला सकते हैं. एंड द हिस्टोरिक रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू एंड द वर्ल्ड वॉर वन has offered us several lessons, the best examples being Singapore and Japan. Japan lost the war, but still today Japan is one of the leading countries. Japan also faced a nuclear attack, but today how Japan has progressed, then how Germany has progressed, how countries like Singapore have evolved, ye sare cheeze jo hai ye ek tarah hum sab logon ka लेसन्स देते हैं कि हम लोग आगे कैसा बढ़ना चाहिए, हम लोग की सोच कैसा होना चाहिए, हाउ वी शुड गो विद द रिकंस्ट्रक्शन वर्क्स. ये सारे चीज यहाँ पे इन सारे सिटीज की एनालिसिस में हम लोगों को समझ में आता है. पोस्ट द वर्ल्ड वॉर्स द एंटायर वर्ल्ड वर्कड ऑन ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे दुनिया एक नई विश्व के लिए काम किया था. New protocols were developed and the world changed itself. पूरे दुनिया बदल गई है, नए rules आए थे, नए regulations आए थे, कई सारे countries independent हो गए थे. ऐसे कई सारे चीजें World War II के बाद हुई थी, जिनके वजह से जो भी progress आज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो possible है. And COVID-19 had also provided a similar opportunity to develop new approaches in each and every field. यानी कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ नए चीज करने की जो एक चांस है वो COVID-19 के द्वारा दी गई है. मेकिंग ए पिच टू रिजुवेनेट सिटीज दैट वर नाउ होम टू हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मोदी जी ने ये कहा था कि अर्बन डेवलपमेंट शुड फोकस ऑन इंश्योरिंग बेटर हाउसिंग एंड वर्क एनवायरमेंट एज वेल एज शॉर्टर एंड एफिशिएंट ट्रैवल ऑप्शंस. यहाँ पे टाउन प्लानिंग के बारे में काफी अच्छा पॉइंट्स हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया गया था. सो नाउ वी शुड चेंज द सिटीज, वी शुड गिव ए न्यू लाइफ टू द सिटीज इन सच ए वे दैट देयर शुड बी बेटर हाउसिंग एंड वर्क एनवायरमेंट. जितने भी सिटीज के हाउसेस होते हैं वो और भी बेटर होना चाहिए, वर्क एनवायरमेंट जो है वो और भी बेटर होना चाहिए. इनके साथ साथ shorter and efficient travel options for citizens, पूरे citizens के लिए एक shorter as well as efficient travel options भी देना चाहिए, ताकि इनकी वजह से सारे जो देश की cities है वो नए तरह से हमारे लोगों के लिए काम में आए. During the
लॉकडाउन मेनी सिटीज सॉ क्लीनर लेक्स एंड रिवर्स एंड ऑल्सो क्लीनर एयर. बेस्ट एग्जाम्पल यमुना. बच्चों अगर आप लोगों को किसी को ये बात नहीं मालूम है तो मैं अभी बता देता हूं. यमुना वॉज डिक्लेयर्ड एज डर्टीएस्ट रिवर अक्रॉस द ग्लोब एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट यमुना कैन नेवर बी रिप्लेनिश्ड और यमुना कैन नेवर बी रिपेयर्ड सो दैट अगेन फ्रेश वाटर कैन फ्लो थ्रू यमुना. यमुना को ये बात कहा गया था कि ये कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा, ये वैसे ही रहेगा और इसमें बदलाव लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. लेकिन आप सब लोग जानते ही हैं COVID-19 के पहले लॉकडाउन की वजह से यमुना भी थोड़ा बहुत रिकवर हुई है. सो द रिवर यमुना ऑल्सो शोड सम साइंस ऑफ रिकवरी एंड मेनी ऑफ अस हैव लिसन टू द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. यानी कि कई सारे बर्ड्स हम लोगों को देखने मिले कई सारे प्लेसेस में बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द पोल्यूशन लेवल्स. पोल्यूशन लेवल्स कम है और कई सारे ऐसे चीजों की वजह से अब बर्ड्स भी काफी ज्यादा देखने को हम लोगों को मिला है. सो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सिटीज की वजह से कितना ज्यादा अर्थ एनवायरनमेंट और बाकी इकोसिस्टम को प्रॉब्लम दे रहे हैं. ये चीज यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को समझ में आ जाता है. कैन वी नॉट बिल्ड सस्टेनेबल सिटीज वेर दिस इज द नॉर्म एंड नॉट द एक्सपेंशन. यानी कि ऐसे जो सिटीज जहां पे क्लीन लेक्स एंड रिवर्स हो, जहां पे बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट की समय हो, जहां पे एनवायरमेंट काफी अच्छा हो, हाउसिंग फैसिलिटी काफी अच्छा हो, वर्क एनवायरमेंट भी बढ़िया हो, ऐसा क्या हम लोग कोई सिटीज बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ये भी एक प्रश्न पूछा गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा. इट हैज बीन आवर एंडेवर इन इंडिया टू बिल्ड अर्बन सेंटर्स विच हैव एमिनिटीज ऑफ ए सिटी बट द स्पिरिट ऑफ ए विलेज. यानी कि भारत हमेशा ऐसा चाहती है कि जो विलेज की अपने गांव की एक स्पेशलिटी होती है, एक स्पिरिट होती है, यानी कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं. देर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनी इन द विलेजेस. ये सिटीज का जितने भी शोर है उससे काफी ज्यादा दूर रहता है गांव. एंड देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर पर्टिकुलरली यूनिक टू द विलेजेस विच गिव ए पीस ऑफ माइंड इन विलेजेस. बट द एमिनिटीज ऑफ द सिटी, यानी कि सिटीज का एमिनिटीज जब ये मिलते हैं गांव का जो स्पिरिट और गांव का जो लाइफस्टाइल, तब एक अच्छा सिटी या एक अच्छा अर्बन कल्चर बनेगा. इसके लिए हम लोगों का दो स्कीम्स याद रखना पड़ेगा. आपका ये होमवर्क है. पूरा एंड रूअर्बन आर टू गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू डेवलपिंग विलेजेस इनटू अर्बन सेंटर्स. सो यू शुड एनालाइज व्हाट आर दीज टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. सो और भी ज्यादा कुछ कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने. सिटीज नीड रीसेट एस पैंडेमिक एक्सपोज फ्रैटिलिटीज. अब इसके बारे में अगला जो पॉइंट है वो है टेक वर्सेस ट्रैवल. यानी कि टेक्नोलॉजी और ट्रैवल के बीच में क्या इश्यू हो रहा है. द गवर्नमेंट डिसीजन टू सिंप्लीफाई नॉर्म्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बेस्ड बिजनेस कम्युनिटीज. नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि दिस वुड अलाउ पीपल टू वर्क फ्रॉम होम और एनीवेयर. यानी कि जो टेक्नोलॉजी और सिंपली हम लोग ऐसे कह सकते हैं आईटी एंड एलीड इंडस्ट्रीज को जो रिलैक्सेशन दी गई है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, उस रिलैक्सेशन के अनुसार कहीं पे भी अब वर्क करने की एक संभावना जो है वो एम्प्लॉयज को मिलती है. इन टूडेज एज एम्पावरिंग पीपल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर टू लिव एनीवेयर और टू प्लग इन टू ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रॉम एनीवेयर इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी. यानी कि अब हमारा एक नेसेसिटी बन गया कि हम लोग कहीं से भी काम करें, कहीं पे भी रहे और कहीं से भी ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना कदम जो है वो रखे. तो दैट बिकेम एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी इज वॉट इटरेटेड बाई आर प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जी ने एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई सारे मीटिंग्स रखने में और कई सारे रिव्यूज करने में कितना ज्यादा काम में आ सकती है, ये चीज भी
हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था, वी विल कंटिन्यू विद द लर्निंग्स ऑफ कोविड टाइम्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और विल वी ट्रैवल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस, रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन अर्बन सिस्टम्स विल डिपेंड ऑन आवर चॉइसेस। तो यहाँ पे एक अच्छे ऑब्जर्वेशन दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, क्या हम लोग आगे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स करेंगे या हम लोग कई सारे देश पार करके हजारों किलोमीटर या हजारों माइल ट्रैवल करेंगे ताकि एक छोटा मीटिंग में भाग ले, ये अपने हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन सिटीज पे जो स्ट्रेस है, जो हमारे अर्बन सिस्टम्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस है, वो बढ़ाना है या घटाना है, ये चीज तो सिर्फ हमारे हाथ में ही है। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन्वाइटेड इन्वेस्टर्स फॉर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज इन अर्बनाइजेशन, मोबिलिटी एंड इनोवेशन एज वेल एज सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, कि कई सारे फील्ड्स में हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज के बारे में काफी ज्यादा फोकस दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि 1000 किलोमीटर ऑफ मेट्रो लाइन एंड 10 मिलियन अर्बन हाउसिंग यूनिट्स बाय 2022 आर इंडिया टारगेट्स। हम लोग 1000 किलोमीटर की मेट्रो लाइन और 2022 तक 1 करोड़ या 10 मिलियन अर्बन हाउसिंग यूनिट्स भी देने की एक फैसला ली थी, ये चीज भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस मीटिंग में कहा गया था। द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द ब्रू रिफ्यूजीज। सो द ब्रू रिफ्यूजीज दे डिमांड एन इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर सेटलमेंट पैक्ट। नाउ व्हाट इज दिस सेटलमेंट पैक्ट, व्हाई इज इट इज इंपॉर्टेंट एंड अदर डिटेल्स वी विल डिस्कस। द लीडर्स ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजीज हैव डिमांडेड कमेंसमेंट ऑफ देयर permanent rehabilitation in Tripura in the light of the quadripartite agreement signed in New Delhi in the January. So till here what do we understand? The Bru community refugees, they wanted the commencement of their permanent rehabilitation in Tripura because already a quadripartite agreement was signed in New Delhi in the month of January. So, इन लोगों ने ये डिमांड किया था कि उनका जो रिहैबिलिटेशन त्रिपुरा में करने वाले हैं उसके बारे में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुकी है, अब उस एग्रीमेंट का इंप्लीमेंटेशन के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं। दे मेड द डिमांड ड्यूरिंग ए मीटिंग विद चीफ सेक्रेटरी मिस्टर मनोज कुमार इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टेट्स रॉयल सियान एंड एक्टिविस्ट प्रज्योत किशोर देवमर्मन। So these people, what they did, they wanted the chief secretary to start the settlement work within 2 weeks because already the rehabilitation process has been delayed by 6 months due to COVID-19, and they also expressed their displeasure over the delay in the rehabilitation work. जो भी अभी COVID-19 की वजह से ये सारे rehabilitation की देरी हो रही है, इस देरी के लिए ये लोग काफी ज्यादा नाराज है और अपने डिस्प्लेजर जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब से ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं एंड दे नाउ वांट ए वेरी क्विक सेटलमेंट। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज प्रिसाइडेड ओवर साइनिंग ऑफ द अकॉर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड ऑल्सो द लीडर ऑफ द रेफ्यूजीज ऑफ दीस 35,000 एवैक्यूज इन त्रिपुरा। सो क्यों इसको क्वाड्रापार्टाइट एग्रीमेंट कहा गया था, क्योंकि देयर वर 4 पार्टीज, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिजोरम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड ऑल द लीडर्स ऑफ दीस रिफ्यूजीज हु आर नाउ वांटिंग टू सेटल इन त्रिपुरा। द ऑफिशियल सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड 12 प्लेसेस इंक्लूडिंग द कांचनपुर सब डिविजन इन नॉर्थ त्रिपुरा वेयर द ब्रूस हैव बीन हाउस्ड इन 6 मेकशिफ्ट कैंप्स from 1997, but the decision to settle some of these refugees is facing protest from the local forum called Joint Movement, yani ki wahan pe ek local organization jiska naam hai Joint Movement, wo in logon ke settlement ke khilaf protest kar rahi hai।
द ज्वाइंट मूवमेंट हैज इन्फोर्स एन इंडेफिनिट स्ट्राइक इन कांचनपुर फ्रॉम मंडे टू प्रेस द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव अप प्लान्स टू रिहैबिलिटेट ब्रूस इन देयर एरिया. यानी कि ये जो ज्वाइंट मूवमेंट है वो लोग ब्रूस को अपने एरिया में रिहेबिलिटेट करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और उस वजह से उन्होंने क्या किया, एक फास्ट ऑन टू डेथ शुरू कर दिया, एन इंडेफिनेट स्ट्राइक शुरू कर दिया. उस वजह से ये लोग मिजो अपने त्रिपुरा गवर्नमेंट में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं. सो दिस इज ए माइंड मैप रिगार्डिंग ऑल द इश्यूज ऑफ ब्रूस एंड हाउ दे आर सफरिंग. देर इज नियरली 20 ईयर्स ऑलरेडी पास्ड विद दिस, इवन 30 ईयर्स हैव पास्ड आफ्टर द इनिशियल इश्यू, स्टिल देर इज नो प्रॉपर सेटलमेंट. नाउ हु आर दिस ब्रूस? द ब्रूस आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुप इन मिजोरम एंड दे ऑल्सो लिव इन असम एंड त्रिपुरा. दे आर एन एनिमिस्ट ट्राइब एंड नाउ दे आर इन हिंदुइज्म्स फोल्ड. ब्रूस माइग्रेटेड फ्रॉम चान स्टेट म्यांमार बट द मिजोस हैव टैग्ड द ब्रूस एज आउटसाइडर्स. ये सारे जो लोग हैं वो कई साल के पहले म्यांमार से भारत में माइग्रेट हो गए थे, लेकिन मिजोरम में जहां पे वहां के लोकल लोग हैं उन लोगों ने इस ब्रू कम्युनिटी को आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे थे, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस ब्रूस. नाउ देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट ऑलरेडी साइंड इन विच Each family gets 4 lakhs of fixed deposit, and after 3 years of uninterrupted stay in Mizoram, the Bruce reject this 3 years caveat. यानी कि अगर वो लोग 3 साल मिजोरम में रहेंगे तो उनको 4 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन इस 3 साल का कंडीशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था ब्रूस ने. एवरी फैमिली विल गेट 1.5 लाख एज हाउसिंग एड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. And the Bruce want the money to build houses before they shift to Mizoram. यानी कि ये लोग जब मिजोरम वापस शिफ्ट करेंगे उससे पहले इनको ये पैसा डिमांड किया था. Free ration for 2 years in Mizoram and monthly assistance of 5,000 per family. और इस चीज भी जब गवर्नमेंट ऑफर की थी तब ब्रू कम्युनिटी के लोगों ने डिमांड किया था कि सारे जो हाउसेस है वो एक क्लस्टर की तरह बनाए जाए ताकि उन लोगों में एक यूनिटी बन जाए. उसके अलावा जितने भी और इश्यूज है सारे इश्यूज इकट्ठा होके ये लोग फाइट करें, लेकिन इनको 3 क्लस्टर्स में विभाजन किया था गवर्नमेंट ने. सो इवन यू कैन सी द टाइमलाइन इन द 1994 द ब्रू नेशनल यूनियन वॉज फॉर्म्ड. इन 1996 द मिजोस हैव पुश्ड ब्रूस आउट ऑफ देयर स्टेट. देन द ब्रूस दे हैव taken up arms and they formed a Brew National Liberation Front. 1997 में एक ethnic violence भी breakout हुई. तब से लेके ये Brew community जो है वो refugee camps में ही बहुत ज्यादा stay कर रही है. Then later the Brew National Liberation Front ये arms को वापस दिया और एक refugee एग्रीमेंट साइन करने के लिए जितने भी डिस्कशन है वो शुरू किया था. एंड फाइनली इन द ईयर 2018 द सेंटर साइंस ए डील फॉर नेगोशिएशन विद ब्रूस एंड दिस ईयर इन जनवरी दे गॉट द डील साइंड. सो बेसिकली दीज पीपल आर रिफ्यूजीज एंड नाउ दे साइंड ए डील विद द गवर्नमेंट फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, बट बिकॉज ऑफ द COVID-19 इट इज बींग डिलेड इंडेफिनेटली. And that's why now these people are demanding for their rehabilitation. So that is article about the Brew community, and this article is very much significant in terms of your GS1 society as well as GS2 social justice. Social justice topic में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक क्या आप लोगों को और ये ethics का एक case study भी बन सकती है. The refugee problem can also be a case studies in your ethics paper, so that's why you have to focus on it. Agla jo article hai wo ye hai ki lack of consent won't vitiate CBI probe. Yani ki agar koi state apna
सीबीआई के कंसेंट जो दिया था वो अगर विथड्रॉ करेगी, उस विथड्रॉल की वजह से जो ऑलरेडी सीबीआई का प्रोब चल रहा है वो कभी भी रुक नहीं पाएगा. सो दैट इज व्हाट दिस पीपल वांटेड टू कन्वे इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. सो वंस ए कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ करप्शन केस इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई, इट कैनॉट बी सेट एसाइड फॉर द लैक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स प्रेयर कंसेंट फॉर द प्रोब अगेंस्ट सम ऑफ द एक्यूज्ड अनलेस इट इज शोन दैट इट हैज रिजल्टेड इन प्रेजुडिस, द सुप्रीम कोर्ट सेज. यहां पे क्या कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई भी एक केस ऑलरेडी कोर्ट की आदेश के अनुसार अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसको हम लोग हटा नहीं सकते बाई कोटिंग ए रीजन दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोब अनलेस एंड अंटिल इट इज शोर्ड दैट इट हैज रिजल्टेड इन ए प्रेजुडिस. मतलब क्या है दोस्तों, आप मान के चलिए, लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल ए स्टेट, आप कोई भी स्टेट को ले लो, आप मान के चलिए बंगाल को ही लेते हैं. इन बंगाल द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड फॉर द सीबीआई इंक्वायरी इन ए पर्टिकुलर केस. नाउ आफ्टर द इंक्वायरी द स्टेट विथड्रॉ इट्स कंसेंट टू सीबीआई, उस स्टेट ने कंसेंट को विथड्रॉ की थी, यानी कि अब सीबीआई उस स्टेट में ये सारे जो काम पहले करती थी वो नहीं कर पाएगी. नाउ वॉट अबाउट द ऑनगोइंग केसेस विच वर गिवेन टू सीबीआई, दोज केसेस विच वर गिवेन टू सीबीआई विल कंटिन्यू इन द परव्यू ऑफ सीबीआई, दिस विथड्रॉल ऑफ कंसेंट डज नॉट अफेक्ट देम, दैट इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज सिंपली सेड. द कॉग्निजेंस एंड ट्रेल इन ए सीबीआई केस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स कैन नॉट बी सेट असाइड अनलेस द इलीगैलिटी इन द इन्वेस्टिगेशन कैन बी शोन टू हैव ब्रॉट अबाउट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. यानी कि जो ऑलरेडी एक केस शुरू की गई थी उसको हम लोग अलग सा नहीं रख सकते, यानी कि उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते जब तक उसमें कुछ इलीगैलिटी ना हो. यानी कि अगर पिटिशनर्स इलीगैलिटी को साबित कर सकते हैं, इफ देर इज एनी इरेग्युलरिटी और इलीगैलिटी इन द इन्वेस्टिगेशन ओनली देन दे कैन आस्क टू पुट द इन्वेस्टिगेशन असाइड, वरना उनको क्या करने को मिलेगा, वो लोग उस इन्वेस्टिगेशन में भाग ही रहेंगे और सीबीआई उस इन्वेस्टिगेशन और भी चालू ही रखेगी. सो फाइनली इफ ए स्टेट हैड गिवन कंसेंट टू सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इन ए करप्शन केस एंड द कॉग्निसेंस हैज बीन टेकन बाय द कोर्ट, द केस कैनॉट बी सेट असाइड अनलेस द पब्लिक सर्वेंट्स प्लीड दैट prejudice has been caused to them on account of non-obtaining of prior consent. तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, what do you mean by this? यहां पे हम लोग साफ साफ एक शब्द की काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ prejudice हो तभी इस केस में सीबीआई को हटा सकते हैं, वरना आप कुछ भी करें सीबीआई विल कंटिन्यू टू प्रोब इन दैट पर्टिकुलर इश्यू. However, in its observations, the court underscored that CBI cannot extend its powers to any state unless the state government grants its consent. इसका मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी स्टेट में सीबीआई विदाउट द स्टेट्स कंसेंट कैनॉट ट्राई और कैनॉट डू इन्वेस्टिगेशन, कैनॉट प्रोब इन टू द मैटर्स. तो पहले अगर सीबीआई को किसी भी एक स्टेट के केस में इन्वॉल्व करना हो तो उस स्टेट का परमिशन हमेशा चाहिए ही चाहिए. लेकिन हम किस सिचुएशन का बात कर रहे हैं, जब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया और उसके बाद कंसेंट जो दी गई है उसको विथड्रॉ कर दिया, यानी कि जब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है जब वो चालू हुई थी तब ऑलरेडी सीबीआई को कंसेंट उस स्टेट का रहता है और उस कंसेंट के अनुसार ही सारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी. बट इफ द इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग एंड द कंसेंट इज विदड्रॉन स्टिल द इन्वेस्टिगेशन विल कंटिन्यू, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का. देन दिस अरेंजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड
इज इन ट्यून विद द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो स्टेट की कंसेंट मैंडेटरी वाली प्रोविजन है वो फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट करती है. एंड दिस जजमेंट केम इन द अपील्स चैलेंजिंग द जजमेंट पास्ड बाय अलाहाबाद हाईकोर्ट अगेंस्ट ए मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन. लेकिन इसका इश्यू क्या था, ए सरप्राइज राइड बाई द सीबीआई इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी फाउंड दैट कोल परचेस्ड बाय इट अंडर द फ्यूअल सप्लाई एग्रीमेंट विद कोल इंडिया लिमिटेड वॉज सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट एंड सीबीआई हैज रजिस्टर्ड ए क्लेम. तो ये हुई ना बात, सीबीआई अटैक्ड ए कंपनी, दैट कंपनी इज फेटिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स. सो दिस कंपनी व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय सीबीआई, जब इस कंपनी में सीबीआई ने अटैक किया था, तब सीबीआई ने एक बात पकड़ी थी कि ये सारे जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के दौरान, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे कंपनी से एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करती है कि इट विल सप्लाई रॉ फ्यूल, एंड हियर द एग्रीमेंट वॉज विथ कोल इंडिया लिमिटेड. कोल इंडिया लिमिटेड के फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के द्वारा जो कोल इसको मिल रही है, इस कंपनी ने उस कोल को ब्लैक मार्केट में सेल कर दी, और उसकी वजह से सीबीआई ने इस कंपनी के खिलाफ एक एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दिया था. बाद में यह भी पता चला कि दो इंडस्ट्री सेंटर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व थे. अब पिटिशनर्स का कहना यह है कि जनरल कंसेंट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट इनफ एंड सेपरेट कंसेंट हैज टू बी अपटेंड बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग दिस ऑर्डर. यानी कि जो नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट जो देती है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो इस केस में सफिशियंट नहीं है, इसको अलग सा एक परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा कहना है पिटिशनर्स का. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा थी ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, अगर वहां पे कुछ इश्यू है तो सीबीआई ऑटोमेटिकली कैन गो अहेड. और हाई कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया था कि द गवर्नमेंट हैड ग्रांटेड पोस्ट फैक्टो कंसेंट अगेंस्ट टू पब्लिक सर्वेंट्स एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर द प्रोसीडिंग विद द केस एंड द टॉप कोर्ट आल्सो सपोर्टेड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर. हाई कोर्ट का कहना यह है कि गवर्नमेंट ने उन दो ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की परमिशन दी, इसलिए कुछ भी अलग सा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट. तो फाइनली यहां से यह पता चलता है कि इवन विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ सीबीआई ऑफ द स्टेट्स, सो अगर किसी भी एक राष्ट्र अपने स्टेट के सीबीआई ब्रांच को कंसेंट नहीं देती है, फिर भी कोर्ट के अनुसार या कुछ डाउट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इलीगैलिटी और ए क्राइम, द सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट इन दैट स्टेट सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द कोर्ट. ये चीज कही गई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. द नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. सो ट्रंप सॉट ऑप्शंस फॉर अटैकिंग ईरान्स न्यूक्लियर साइट. ईरान के एक न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज आस्क्ड फॉर द ऑप्शंस. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड द सीनियर एडवाइजर्स इन ओवल ऑफिस मीटिंग वेदर ही हैड ऑप्शंस टू टेक एक्शन अगेंस्ट ईरान्स मेन न्यूक्लियर साइट इन द कमिंग वीक्स. आगे वाले दिनों में क्या हम लोग ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एक अटैक कर सकते हैं, ऐसा ट्रंप ने पूछा था अपने ऑफिशियल्स को. और इस मीटिंग कब हुई थी, ए डे आफ्टर जब इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स हैव रिपोर्टेड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कंट्रीज स्टॉकपाइल ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल. कल या परसों एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी by the inspectors who were examining the nuclear fuel availability in Iran. Iran ke jo nuclear fuel availability hai usko jo officers calculate kar rahe hain, unhone ye kaha tha ki there was a significant increase in the abundance of the nuclear fuel available with Iran.
और इस वजह से अब ट्रंप क्या चाहते हैं कि ट्रंप ये न्यूक्लियर साइट जो है उस पे हमला करना चाहता है। एंड देन ए रेंज ऑफ सीनियर एडवाइजर्स डिसवेडेड द प्रेसिडेंट फ्रॉम मूविंग अहेड विथ ए मिलिटरी स्ट्राइक। सारे लोग कन्विंस कर चुके हैं कि ये सही सॉल्यूशन नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है, अब वक्त भी सही नहीं है एक मिलिट्री स्ट्राइक करने के लिए। द एडवाइजर्स वॉन्ट दैट ए स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान फैसिलिटीज कुड इजीली एस्केलेट इनटू ए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन द लास्ट वीक्स ऑफ मिस्टर ट्रंप्स प्रेसिडेंसी। जैसे कि ऑलरेडी आप सब लोग जानते ही हो कि जो बाइडेन गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था जो बाइडेन को, नाउ इन द लास्ट डेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा एक मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर दिया था उस वजह से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बनने की एक संभावना है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू गो ऑन एनी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक ड्यूरिंग दिस टाइम्स। एनी स्ट्राइक वुड सर्टेनली बी फोकस्ड ऑन नतांस वेयर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्टली IAEA के नाम से जानते हैं, रिपोर्टेड दैट द यूरेनियम स्टॉकपाइल इज नाउ 12 टाइम्स लार्जर देन व्हाट वाज परमिटेड अंडर द न्यूक्लियर एकॉर्ड दैट मिस्टर ट्रंप हैज अबैंडन इन 2018। एक न्यूक्लियर एकॉर्ड साइन की गई थी ईरान के द्वारा, एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की गई थी, लेकिन जितना भी परमिसिबल अमाउंट उस ट्रीटी में दिया गया है उससे 12 गुना ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल जो है उस ईरान ने प्रोक्योर किया था, उस सारे फ्यूल को प्रोक्योर किया था। सो इसलिए इस चीज को हम लोग बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वाई डज एनी कंट्री वॉन्ट टू प्रोक्योर सच अमाउंट ऑफ फ्यूल विच इज 12 टाइम्स मोर देन व्हाट द कंट्री कैन प्रोसेस, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन एंड दैट रेजेस ए लॉट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, देन इंडिया। अलॉन्ग विद दिस इवन द ग्लोबल कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी सीवियरली कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट। द IAEA और द एजेंसी हैज नोटेड दैट ईरान हैड नॉट अलाउड एक्सेस टू अनदर सस्पेक्टेड साइट वेयर देर वॉज एविडेंस ऑफ ए पास्ट न्यूक्लियर एक्टिविटी। जहां पे इन लोगों का एक शक है कि प्रीवियसली वहां पे कुछ एक्टिविटी, ऑलरेडी न्यूक्लियर एक्टिविटी हो चुका है, अब वहां पे अभी जाके इंस्पेक्ट करने की जो परमिशन है वो इनको नहीं मिली थी। एंड दैट्स व्हाई मिस्टर ट्रंप हैज आस्क्ड हिज टॉप नेशनल सिक्योरिटी एड्स अबाउट द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल ऑन हाउ टू रेस्पॉन्ड। नाउ दिस इज ए क्विक टाइमलाइन अबाउट द यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान और द विथड्रॉल फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील। सो July 14, 2015 को एक न्यूक्लियर डील साइन किया गया था पूरे दुनिया के देश और ईरान के बीच में। देन न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान लिफ्टेड व्हेन JCPOA ऑब्लिगेशंस को तेहरान ने फुलफिल कर दिया था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस JCPOA? तो JCPOA का मतलब होता है जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री प्लान ऑफ एक्शन इज व्हाट JCPOA मींस। जब JCPOA की सारे का ऑब्लिगेशंस को ईरान ने फुलफिल कर दिया था तब यूएसए ने सैंक्शंस भी लिफ्ट कर दिया था। लेकिन बाद में May 18, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया था कि सारे जो मल्टीलेटरल ईरान न्यूक्लियर डील है इससे अमेरिका वापस बाहर आ रही है एंड दिस पेव्ड वे फॉर द रिटर्न ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड यूएस सैंक्शंस। तो ये सारे चीज है इस न्यूक्लियर ईरान को न्यूक्लियर डील को लेके यूएसए क्या किया था उन सारे चीजों का ये टाइमलाइन है। देन वी विल सी फ्यू पॉइंट्स अबाउट IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दिस सीक्स टू
प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इनहिबिट इट्स यूज इन एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि IAEA जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्यादा फोकस करती है। एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ IAEA इज इन वियना ऑस्ट्रिया एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के जैसा एस्टेब्लिश होने के नाते इस ऑर्गेनाइजेशन UN को रिप्रेजेंट करती है और UN को रिपोर्ट भी करती है। IAEA रिपोर्ट्स टू बोथ जनरल असेंबली एज वेल एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन खुद का एक इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा बनी थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IAEA? IAEA सर्व्स एज ए इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर पावर वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने वाले कंट्रीज को मॉनिटर करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम की जैसा काम करती है IAEA। IAEA की जो प्रोग्राम्स है वो इस चीज को भी एंकरेज करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरनेशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एज वेल एज न्यूक्लियर मेटीरियल्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स न्यूक्लियर सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। इतने सारे चीजें हैं। सो सबसे पहले चीज है पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑल्सो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी देन इंटरनेशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेटीरियल्स। उसके बाद न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में और उस सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में IAEA जो है वो काम करती है। ट्रंप और क्या कहा था ये चीज भी हम लोग देखेंगे। ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एड्स हैज मेट टू डिस्कस ईरान द डे बिफोर मीटिंग द प्रेसिडेंट। उसके जो अमेरिका के इंटरनल ऑफिशियल्स है उन लोग प्रेसिडेंट के मीटिंग के पहले ही एक मीटिंग रखा था। एंड द एपिसोड अंडरस्कोर्ड हाउ मिस्टर ट्रंप स्टिल फेसेस एन एरे ऑफ ग्लोबल थ्रेट्स इन हिज फाइनल वीक्स ऑफ ऑफिस। यानी कि अपने जो अंतिम कुछ वीक्स में भी डोनाल्ड ट्रंप को कितना सारे चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ रहा है ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। एंड ए स्ट्राइक ऑन ईरान मे नॉट ट्रेवल बिकॉज इट इज लार्जली अपोज्ड टू ए डीपर अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। क्योंकि इस जो अटैक है वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स शायद दे सकती है बिकॉज जो बाइडेन वांटेड टू रिट्रीव द 2015 न्यूक्लियर डील एंड ही हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड दैट he will retrieve the 2015 nuclear deal which we have just now discussed and this deal was already backed off by Donald Trump. Already Donald Trump ne kafi sare apne officials ko dismiss kar chuka hai jaise ki defense secretary fir top pentagon aides aur other officials were also dismissed and they have privately expressed the worries that the president might initiate any operations, maybe some covert operations or secret operations, and they might result in other severities by the end of his term. The event of the past few days are not the first time that Iran's policy has emerged during the final days of departing administration. Aisa jo abhi ho raha hai, ye pehle baar nahi hai. Iske pehle bhi kahi saare logon ke samay mein ऐसे कुछ इश्यूज हो चुका है इंटरनेशनल एरिना में। ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बुश एडमिनिस्ट्रेशन इन 2008 इजरायली ऑफिशियल्स वर कंसर्न्ड दैट द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन माइट ट्राई टू ब्लॉक इट फ्रॉम स्ट्राइकिंग ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड ऑल्सो द बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स। इसलिए इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने पहले से ही बॉम्बर्स और इंटेलिजेंस असिस्टेंस को प्रोक्योर कर लिया था फॉर एन इजरायली लेड स्ट्राइक। तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन
कि अंतिम दिनों में अगर ओबामा उसके बाद आएगा तो शायद उन लोगों को, इजरायली लोगों को ज्यादा मदद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, किसी को नहीं पता है। इसलिए इन लोगों ने पहले से ही सारा जो आर्म्स एंड अम्युनिशंस है वो इंपोर्ट करके रख दिया था। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट डिक चेनी जो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये लिखा था जो इस आइडिया को सपोर्ट भी कर चुके थे। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश डिड नॉट, बट द रिजल्ट वाज फार क्लोजर कोलैबोरेशन विद द इजराइल ऑन ए साइबर स्ट्राइक अगेंस्ट नैटांज वैली विच टुक आउट अबाउट 1000 ऑफ ईरान सेंट्रीफ्यूजेस। यानी कि इस चीज के बदले एक और चीज ने उन लोगों ने किया था जिसकी वजह से कई सारे ईरान के न्यूक्लियर वायोलेशंस है वो लाइमलाइट में आए थे। एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पेंटागन हैज रिवाइज इट्स स्ट्राइक प्लान्स मल्टीपल टाइम्स एंड नाउ देर आर ऑप्शन सच एज साइबर ऑप्शन एंड ऑल्सो द ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑप्शन एंड सम ऑफ देम ऑल्सो इन्वॉल्व द डायरेक्ट एक्शन बाई इसराइल। अब इसी दौरान जब IAEA का रिपोर्ट आया था कि ईरान हैज मोर देन 2,442 किलोस ऑफ लो एनरिच्ड यूरेनियम, दिस इज इनफ टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लियर वेपन्स अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस। कुछ रिसर्चेस के अनुसार अभी जो एक्स्ट्रा फ्यूल ऑफ यूरेनियम ईरान के पास है वो लगभग 2 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इनफ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो यूरेनियम है वो लो एनरिच्ड यूरेनियम है और इसको कई सारे महीने लगेगा कि इस लो एनरिच्ड यूरेनियम को बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम तक कन्वर्ट करने में। इसका मतलब ये है कि ईरान विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ए बॉम्ब अंटिल द नेक्स्ट स्प्रिंग, यानी कि अगले साल के मार्च अप्रैल तक ये कुछ नहीं कर पाएगी। एंड बिफोर दैट ट्रंप ऑल विल लीव द ऑफिस एंड जो बाइडेन ऑलरेडी विल स्टार्ट द नेगोशिएशंस विथ ईरान ओवर इट्स न्यूक्लियर डील। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी हम लोग जल्दी से जल्दी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट कैन बी डिस्कस्ड ऑन ए लाइटर नोट इन ए मोर डीपर मैनर रादर देन टॉकिंग इट इन ए हरी, ये कहना है उस एडिटोरियल का ऑथर का। और जब भी हम लोग ईरान के बात करेंगे तो यहाँ पे ये मैप जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिकॉज हियर वी हैव कांडला पोर्ट इन इंडिया, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, दिस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना। इन ऑर्डर टू काउंटर दिस ग्वादर पोर्ट इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग चाबहार पोर्ट ऑलरेडी, वन पार्ट ऑफ चाबहार पोर्ट ऑलरेडी हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस। सो रिमेंबर ग्वादर पोर्ट वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड बाई चाइना इन पाकिस्तान एंड इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग चाबहार पोर्ट इन ऑर्डर टू हेल्प अफगानिस्तान लॉजिस्टिकली। अफगानिस्तान को लॉजिस्टिकली हेल्प करने के लिए ईरान को भी एक नया पोर्ट बनवाने के लिए इंडिया इज हेल्पिंग देम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल नीड्स। अगला जो आर्टिकल है वो है एक और एडिटोरियल। इस एडिटोरियल जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो इश्यूज चल रही है उस इश्यूज के बारे में है। द 6 वीक लॉन्ग वॉर ओवर नोगरोनो करबाख हैज कम टू ए हाल्ट फॉलोइंग ए रशियन ब्रोकर्ड सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, बट ओनली आफ्टर आल्टरिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजियन। 6 वीक तक जो युद्ध लड़ी गई थी उस युद्ध अभी एक एंड तक आ चुकी है, जहां पे रशिया के द्वारा एक सीज फायर एग्रीमेंट की मीडिएशन की गई है। लेकिन इस युद्ध जो लड़ी गई है वो एक डिसीशन के बाद ही खत्म हुई है, ऑल ऑफ ए सडन ये खत्म नहीं हुई है। तो इस अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो चीज चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। बिफोर अजरबैजान प्रेसिडेंट इलाम अलीव वेंट टू वॉर इन लेट सितंबर, नगोर्नो कराबाख एंड इट्स सराउंडिंग विलेजेस कनेक्टिंग द एनक्लेव विद द मेनलैंड आर्मेनिया वाज कंट्रोल्ड बाय ईदर आर्मेनियन ट्रूप्स और देयर प्रॉक्सीज। यानी कि ये वॉर के पहले ये जो एरिया है नगोर्नो कराबाख, इस एरिया आर्मेनियन ट्रूप्स और आर्मेनियन ट्रूप्स के प्रॉक्सीज के हाथों
हाथ में है। आर्मेनिया हैड कैप्चर्ड दीज माउंटेन्स विच आर एक्चुअली विद इन अजरबैजान एंड दे आर पॉपुलेटेड बाई द एथनिक आर्मेनियंस एंड इन द अर्ली 1990s ओनली द आर्मेनियंस हैव ऑक्यूपाइड द अजरबैजान टेरिटोरी। अजरबैजान की टेरिटोरी में काफी सारे एथनिक आर्मेनियंस रहते हैं और उस टेरिटोरी को आर्मेनिया ने ऑक्यूपाई कर दिया था 1994 में। और जब ये सारे इश्यूज एस्केलेट हो गई थी तब 1994 में एक सीज फायर एग्रीमेंट शुरू की गई थी। और जब रिसेंटली अजरबैजान के प्रेसिडेंट अलीयेव ने इस अटैक को शुरू किया था तब उनका टर्की का सपोर्ट भी मिलती थी और टर्की आल्सो प्रॉमिस्ड टू हेल्प अजरबैजान कैप्चर दिस नोगोनो कराबाक। एंड द लास्ट वीक व्हेन द सीज फायर वाज अनाउंस्ड द अजरबैजान ट्रूप्स हैज कैप्चर्ड सेवरल एरियाज अराउंड नोगोनो कराबाक फ्रॉम आर्मेनिया एंड दिस इंक्लूड्स द मोस्ट स्ट्रेटेजिक शुशा एंड अलोंग विद दिस द सिटी ऑफ शुशा इज जस्ट 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नोगोर्नो कराबाक्स कैपिटल स्टीफानकेट। यानी कि आर्मेनिया से काफी सारे महत्वपूर्ण एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है हमारा अजरबैजान। सो ये एक मैप है जहां पे नोगोर्नो कराबाक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा है। सो वेयर इज द इश्यू? द इश्यू इज इन द एरियाज विच आर हाईलाइटेड और सर्किल्ड हियर। इन दोनों एरियाज में ही काफी ज्यादा इश्यूज है। सो उस एरियाज में जो करना है वो करने के लिए अभी दोनों देश एक संधि साइन किए थे। सो दिस इज आर्मेनिया हुज कैपिटल इज यरवान एंड ऑन दिस साइड वी हैव अजरबैजान एंड विद इन अजरबैजान वी हैव स्टेपानकेट एंड देयर इज द टू कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नोगोर्नो एंड कराबेक। सो दैट इज द एरिया which is actually in the problem because this entire blue color is Azerbaijan. In between you have this particular, the yellow color one is Nagorno-Karabakh and in this Nagorno-Karabakh is today's conflict. Phir, Armenia jab 1994 ya 1991 ke war mein victory prapt ki thi, is par Azerbaijan ne victory prapt kiya tha. आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उनको काफी ज्यादा पॉलिटिकल बैकलैश भी मिल रही है एंड यरवान जो अजर सिटी है वहां में भी कई सारे प्रोटेस्ट की क्योंकि उनके ट्रूप्स जो है वो विथड्रॉल की जा रही है। सो वेर इज यरवान? यू नो वेर इज यरवान? तो यरवान जो है वो आर्मेनिया का कैपिटल जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यरवान में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द ट्रूप्स विथड्रॉल एंड द फॉरेन मिनिस्टर हैज क्विट ओवर दिस सीज फायर एग्रीमेंट एंड द कंट्रीज प्रेसिडेंट वाज आस्किंग द अदर मिनिस्टर्स टू रिजाइन एंड आल्सो टू गो फॉर ए इलेक्शन। एंड इवन इफ इन द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया there are two bigger powers which had influence, that is Russia and Turkey. yani ki ye asal mein ek Russia and Turkey ke beech mein issue hai jo Azerbaijan aur Armenia ke beech mein situations ko kafi zyada escalate kiya tha. so Turkey strongly supported Azerbaijan with its armored drones and military advisors. Russia had a security agreement with Armenia and tried to remain neutral. yani ki रशिया को एक आर्मेनिया के साथ एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट की वजह से रशिया बिल्कुल साइलेंट रही है। जब अजरबैजान अपने मिलिट्री प्रोग्रेस की थी तब रशिया ने आर्मेनिया को ज्यादा सपोर्ट करने की बात ओपनली नहीं की थी लेकिन इट कंटिन्यूड टू पुश टू ब्रिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन इट्स बैकयार्ड टू एन एंड। यानी कि रशिया इनडायरेक्टली काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होके एक एंड करने के लिए एक सीज फायर लाने के लिए
कोशिश की थी। एंड व्लादिमीर पुतिन इज द ओनली सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट बिसाइड्स आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान के अलावा ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो बस व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ही साइन की गई थी। जब आर्मेनिया सुशा से कई सारे विलेजेस हार चुकी है, लेकिन वो नागोर्नो काराबाख में बुरी तरह की जो डिफीट है उससे बच पाई है। सो दैट इज द इश्यू बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। इस एग्रीमेंट के दौरान रशिया 2000 पीस कीपर फोर्सेस को सेंड करती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आर्मेनियन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो इट विल पेट्रोल द कॉरिडोर दैट लिंक्स द एनक्लेव विद आर्मेनियन मेनलैंड। यानी कि जो एरिया आर्मेनियन मेनलैंड और इस कॉन्फ्लिक्टेड एरिया के बीच में है वहां पे रशियन फोर्सेस डिप्लॉयड होंगे। व्हाइल द सीजफायर हैज रीइंफोर्स्ड रशियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन, द वॉर इटसेल्फ पॉइंटेड टू इट्स डिक्लाइनिंग क्लाउट इन द बैकयार्ड। यानी कि रशिया के नीचे क्या क्या चीजें हो रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा रशिया को, ऐसा कहना है हमारे ऑथर का। द टर्की डिड नॉट ओनली हेल्प अजरबैजान फाइट ए वॉर अगेंस्ट मॉस्को's विशेस बट ऑल्सो मेक श्योर दैट द अजरबैजान प्रिवेल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि टर्की ने अजरबैजान को प्रोवोक किया और जो रशियन सपोर्टेड एरिया है वहां पे भी इन लोगों को कॉन्कर करने में काफी ज्यादा मदद की थी। सो द विक्टोरियस अजरबैजान एंड द वुंडेड आर्मेनिया अलोंग विथ द एक्स्ट्रा केयरफुल रशिया दे ऑल हैव नाउ ए फ्रैगाइल ट्रूस ओवर एन अनरिसॉल्व डिस्प्यूट। यानी कि अब ये सारे लोग एक डेलिकेट सिचुएशन में पड़ गए हैं जहां पे सब लोग काम होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर व्हेन दिस इज गोइंग टू एंड अप। फॉर द पीस टू प्रिवेल आर्मेनिया एंड अजरबैजान मस्ट फाइट ए लास्टिंग सेटलमेंट टू द स्टेटस ऑफ नागोर्नो काराबाख। इवन द प्रीवियस सीज फायर एग्रीमेंट्स डिड नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, बट क्योंकि पिछले बार जब ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन की गई थी तब सिर्फ रशिया वॉज द ओनली बिग पावर, लेकिन अब साउथ कॉकेसस जो है वो रशिया और टर्की के बीच में जो पावर गेम है वो सारे चीज देखने के लिए रेडी है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि देर इज ए डिप्यूटेड टेरिटरी कॉल्ड नागोर्नो काराबाख इन बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। इनिशियली आर्मेनिया अटैक्ड दिस एरियाज इन सम अराउंड 30 इयर्स एगो एंड गॉट होल्ड ऑफ इट। Now Azerbaijan attacked it and got controlled up to some extent of this particular area. The Azerbaijan is dominated or supported by Turkey and Armenia is supported by your Russia. So that is all about this ceasefire editorial. इसमें सबसे बड़ा stakes किसका involved है? रशिया और हमारे आर्मेनिया का, सॉरी टर्की का, रेदर देन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, बिकॉज रशिया एंड टर्की आर सीइंग इट एज ए प्लेस फॉर देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट रेदर देन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान्स वॉर। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।